और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि राशन कार्ड धारकों को अब नहीं मिलेगा फ्री राशन। जिले के 7 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों को अब नहीं मिलेगा मुफ्त में राशन। एनएसए के तहत ये राशन दिया जा रहा था 2 रुपए की दर से गेहूं और 3 रुपए की दर से चावल का भुगतान करना होगा। राशन के साथ तेल, नमक और चना भी बंद कर दिया गया है। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर अभी तक जो फ्री में राशन दिया जा रहा था राशन कार्ड धारकों को अब नहीं दिया जाएगा। एनएफएसए के तहत फ्री राशन दिया जा रहा था जो कि अब बंद कर दिया गया है। इसमें नमक, चना और बाकी चीजें शामिल की गई हैं। अगली खबर आगरा से है, जहां आपको बता दें कि देहात में दबंगों का दुस्साहस देखने को मिला, जहां पर कुछ दबंगों ने महिला को निर्वस्त्र कर दिया और तो और घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट भी की। तो वहीं इस पूरे मामले पर महिला के पति ने थाने में जाकर तहरीर दी और मुकदमा दर्ज कराया है। बता दें पुलिस ने घटना में शामिल दोनों आरोपियों सुरेंद्र और बिज्जू के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। वीडियो एक सामने आया था, उस पे जो पीड़िता है, पीड़िता के पति ने थाने पर तहरीर दी है। तत्काल पीड़िता के पति के तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जो आरोपी हैं उसमें उनकी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। कितने आरोपी सर मुकदमे में? इसमें कुल 2 आरोपी हैं। धारा 354B में लिखवा। तो वहीं अगली खबर अयोध्या से है, जहां आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले पर वाराणसी जिला अदालत के फैसले पर बाबरी पक्ष के पैरोकार हाजी महबूब का विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि काशी में जो हो रहा है वो गलत हो रहा, वो मस्जिद है और कयामत तक रहेगी। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि अयोध्या का मामला दूसरी तरीके से था और उसे खामोशी से इसलिए सुन लिया था कि अदालत का मामला बस खत्म हो जाए। अदालत ने तो क्या फैसला दिया है, काशी में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और वो मस्जिद है, मस्जिद तक कयामत रहेगी और हम वहाँ फैसले से नहीं मुड़ पा जाएंगे, देखेंगे जब तक क्या होता है। अयोध्या का मसला जो था एक दूसरी तरीके से था और यहाँ हम लोगों ने खामोशी से इसलिए कहा कि चलो अदालत का फैसला ख़त्म हो जाए। उन्होंने कहा अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, इसलिए अयोध्या के मसले में हम लोगों ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। अगर वहां ऐसा हुआ तो बेटी है तो आज है कल है। जी हाँ, ये मामला कुछ इसी से जुड़ा हुआ है। दरअसल खबर अलीगढ़ से है, जहां एक सिपाही ने अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए निकाल दिया क्योंकि उसकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये उस सिपाही का निजी जीवन है, हमें उससे क्या। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप खुद बताइए कि क्या बेटी पैदा करना गुनाह है? क्या ऐसे दोषियों को सजा नहीं मिलनी चाहिए जो बेटियों से नफरत करते हैं? जी, मेरे पति पुलिस में हैं। जी, शादी के बाद मेरे पति मारपीट करना शुरू हो गए, दहेज के लिए मारपीट किए लोगों ने। दहेज के बाद भी मेरी बेटी हो गई, बेटियां तो मैंने छोड़ दिया। 1.5 साल हो गए मुझे रहते रहते, ना कोई खर्चा पानी ना लेने आते हैं, पुलिस में मारने की धमकी देते हैं, कुछ समझाओ तो कट्टे भी रखते हैं सिर पे। आप कहाँ रहती हैं और कहाँ से आपकी शादी हुई थी? मैं अलीगढ़ में रहती हूँ, मेरी खैर कीलपुर में शादी हुई है। कहाँ रहती हैं आप? जी, मैं अलीगढ़ में रहती हूँ। कौन सा थाना लगता है आपका? महुआ खेड़ा। अच्छा, तो मतलब आप रखती क्यों नहीं है, क्या कारण है ना रखने का? ना रखने का कारण ये है कि फिर पे लड़की हो गई। पहले तो दहेज के लिए मारपीट करते, जब कन्ना सुनी करके मुझे ले गई, फिर बेटी हो गई। बेटी के नाम से रखती नहीं, 1.5 साल हो गई मुझे रहते अपने मायके में।